टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। बुलंदशहर डीएम रविंद्र कुमार और एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने आज खुर्जा में बनाए गए कोरोना से संबंधित 4 स्थानों का औचक निरीक्षण किया। डीएम ने सबसे पहले खुर्जा तहसील में बने अन्न बैंक का औचक निरीक्षण किया, इसके बाद कम्युनिटी किचन जहां कोरोना से संबंधित लोगों के लिए पौष्टिक खाना तैयार किया जा रहा है, साथ ही केडीए फ्लैट में बनाए गए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन का भी औचक निरीक्षण किया जहां लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। इसके बाद डीएम का काफिला खुर्जा के जटिया अस्पताल में बने L1 हॉस्पिटल पहुंचा जहां कोरोना के 2 पॉजिटिव मरीजों को भर्ती किया गया है। देखिए, आज मैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और साथ में उप जिलाधिकारी और सीओ ने 4 जगह का भ्रमण किया है। सबसे पहले हम लोग गए अन्न बैंक में, वहाँ जो गरीब लोगों को अन्न का पैकेट दिया जा रहा है वो भ्रमण किया। इसके बाद हम लोग गए कम्युनिटी किचन में जहाँ की लोगों के लिए खाना बन रहा है, आप लोगों ने देखा गरम गरम स्वच्छ खाना बन रहा है। फिर हम लोग गए कालिंदी कुंज में, वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन है जहाँ की अभी कल हमारे जनपद में 21 सैंपल टेस्ट आए थे, उसमें से जिन लोगों का नेगेटिव आया उनको वहाँ सेपरेट रखा जा रहा है। लास्ट में हम लोग कोविड-19 का श्रेणी 1 हॉस्पिटल जटिया अस्पताल खुर्जा है वहाँ आए हैं। यहाँ पर वर्तमान में 2 कोरोना पॉजिटिव के पेशेंट रखे गए हैं। ये लोग जमाती हैं जो कि निजामुद्दीन से हमारे जनपद से गुजर रहे थे और मालेगांव महाराष्ट्र जा रहे थे, परंतु 1 तारीख को उन्हें सड़क से ही पकड़ के क्वारंटाइन कैंप में रखा गया था और कल शाम में जब इनका टेस्ट पॉजिटिव आया तो वहाँ से हमने L1 श्रेणी हॉस्पिटल में रखा है। अब यहाँ हमने डॉक्टर से बात की जो टीम उनके लिए डेडिकेटेड है और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए, उनकी समस्याएं भी पूछी, तो उन लोगों के द्वारा भी कोई समस्या नहीं बताई गई है। हमारे पास मेडिकल इक्विपमेंट सफिशियंट मात्रा में है, खाने की भी उत्तम व्यवस्था है और जो टीम है मेडिकल डॉक्टर की उनके एक्टिव और पैसिव अलग अलग टीम है। 14 दिन तक एक टीम रहेगी, फिर वो टीम अगले 14 दिन के लिए रेस्ट पे जाएगी, फिर दूसरी वाली टीम आएगी। तो ये लोग अपने घर नहीं जाएंगे, एक्टिव टीम यहीं हॉस्पिटल परिसर में रह रही है और जब इनका 14 दिन पूरा हो जाएगा तो एक हम लोगों ने होटल हायर कर रखा है, वहाँ जाएंगे। डीएम ने बताया कि बीती 1 तारीख को निजामुद्दीन मरकज से 21 लोगों की जमात जनपद होती हुई महाराष्ट्र जा रही थी, जिन्हें जनपद से ही पकड़कर क्वारंटाइन किया गया, जबकि बीती रात आई रिपोर्ट में 21 जमातियों में से 2 जमातियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसके अलावा 19 लोगों की रिपोर्ट में कोरोना नेगेटिव पाया गया। डीएम ने बताया कि जनपद में 5000 से ज्यादा लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। बुलंदशहर डीएम और एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने आज जनपद के खुर्जा का औचक निरीक्षण किया और औचक निरीक्षण में सबसे पहले डीएम का काफिला तहसील में बने अन्न बैंक में पहुंचा जहां उन्होंने लोगों के लिए जो खाद्य सामग्री रखी गई है अन्न बैंक बनाया गया उसका निरीक्षण किया। इसके बाद डीएम का काफिला कलंदी कुंज में जो केडीए के फ्लैट बनाए गए हैं जहाँ लोगों को क्वारंटाइन किया गया है डीएम का काफिला वहाँ पहुँचा। उसके बाद डीएम कम्युनिटी किचन जो बनाया गया है जहां क्वारंटाइन किए गए लोगों के लिए जहां खाना बन रहा है पौष्टिक खाना बनाया जा रहा है और जो कोरोना के 2 पॉजिटिव खुर्जा के जटिया अस्पताल में भर्ती है उनके लिए वहां खाना बनाया जा रहा है उसका भी निरीक्षण किया। जिसके बाद डीएम का काफिला तहसील होते हुए मंदिर रोड से खुर्जा के जटिया अस्पताल पहुँचा। यहाँ उन्होंने डॉक्टर की टीम से कोरोना के जो 2 पॉजिटिव यहाँ पेशेंट हैं उनके बारे में जानकारी जुटाई। साथ ही डीएम ने बताया कि जनपद में 5000 से ज़्यादा लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। इसके अलावा
जो L1 हॉस्पिटल घोषित किया गया है खुर्जा का जटिया अस्पताल, वहाँ दो लोगों को एडमिट किया गया जो कोरोना के पॉजिटिव हैं। इसके अलावा DM ने बताया कि जनपद में हर तरह की सावधानी बरती जा रही है, जांच की जा रही है, जगह जगह लोगों से जो संदिग्ध है उनकी जांच की जा रही है। DM ने बताया कि यहाँ जो कोरोना पॉजिटिव के पेशेंट भर्ती हैं उनका सही इलाज किया जा रहा है, उनको सुरक्षा व्यवस्था के दायरे में यहाँ देख सकते हैं पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। इसके अलावा जनपद में जो भी किसी भी प्रकार का संदिग्ध अगर मिलता है तो उसको तो तत्काल क्वारंटाइन कर जांच की जाएगी। कैमरा पर्सन शमसुद्दीन सैफी के साथ हामिद सैफी, Time 24 न्यूज़, बुलंदशहर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।